हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एनिमेशन के बारे में। किसके बारे में? एनिमेशन। जो हमने एनिमेशन का यूज करके काफी अलग अलग तरीके का हमने डिजाइन बनाया था, अरे समझे ना, कुछ हमने ऐसे एनिमेशन लगाया था, या फिर जो ऐसे आ जाए था, हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पे कुछ ऐसे एनिमेशन लगाया था, याद है ना। अब इसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, तो हमने एनिमेशन लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, एनिमेशन पेन, ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर। तो पहले इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। अगर जो हम एक नया स्लाइड ले लें, यहाँ पे यहाँ से क्या ले लिए, नया स्लाइड। नया स्लाइड पे आने के बाद जब हम कोई एक शेप ले लें या कोई एक एरो ले लें, और इस एरो पे हम कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, हम चले गए एनिमेशन टैब में और एड एनिमेशन में आने के बाद हम मोर मोशन में आ गए। हम अपने हिसाब से राइट वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लिया हम? और इसको डायरेक्टली हम यहाँ से ड्रा करके लेके आगे इधर लास्ट हो गया ना। अब करना क्या, देखिए इसी को प्रीव्यू करके देखना है। तो पहले तो हम ऑन क्लिक हटा कर विथ प्रीवियस कर लेते हैं और टाइमिंग कुछ बढ़ा लेते हैं, ये F5 बटन प्रेस कर लेते हैं। ये एरो बना हुआ है ना। अब देखिए एनिमेशन लगा हुआ है। अब यही एनिमेशन के बारे में हमको चेक करना है, टाइमिंग कम करना है, कुछ बढ़ाना है, तो हम यहाँ से कर ले रहे थे ना। वही ऑप्शन आपको दिख जाएगा किसमें, एनिमेशन पेन में। देखिए यही हम लगाए राइट एरो वाला ना। क्या करना है, जब क्लिक करें तो पूछेगा स्टार्ट ऑन क्लिक रखना है कि विथ रखना है कि आफ्टर रखना है कि इफेक्ट ऑप्शन चेंज करना है। देखिए इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कितना सेकंड आपको टाइमिंग देना है, दिख रहा है ना, वो सेकंड की टाइमिंग हम यहाँ से दे सकते हैं। प्लस आगे जब जाएंगे तो नीचे दिया किसके लिए, टाइमिंग के लिए, वो यहाँ भी दिया है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हम 10 सेकंड लिए है ना, डिले दिया है, तो डिले का मतलब हम आपको बताए ही थे, जितना टाइमिंग डिले में दे दें उतना रुक के ही एनिमेशन आएगा, उसके पहले एनिमेशन नहीं आए। प्लस दूसरी चीज, इसके नीचे जब आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाइड एडवांस टाइमिंग का, कि अगर जो आप अलग दूसरा टाइमिंग लगा दिए इसमें, इसकी लाइन में, और जो हाइड करना चाहते हैं यहाँ से हाइड कर लीजिए, और अन्यथा यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर दीजिए एनिमेशन को, तो एनिमेशन हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन प्ले करके देखना है तो आप यहीं पे प्ले करके देख भी सकते हैं, हो जाएगा ना। तो एनिमेशन पेन का मतलब क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। तो जो सारा काम आप यहाँ से कर रहे हैं वो चाहे तो आप यहीं से भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, आगे आपको ट्रिगर ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन हाँ, ट्रिगर ऑप्शन समझने से पहले एनिमेशन पेंटर का मतलब समझ लीजिए। तो लगभग आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज बताइए लोग। हाँ, जैसे सपोज करिए कि हमको कोई पैराग्राफ लिखना है, हम होम टैब में गए, टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, यहाँ ड्रा करते, इक्वल टू रैंड लिखे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इक्वल टू रैंड कर लिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर क्या कर लिए, हम एक पैराग्राफ आ गया है ना। अब हम पहले पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग कर दिए, सेम यही फॉर्मेटिंग हमको इस पर भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। तो उसकी फॉर्मेटिंग हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं ना, हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ हम समझने के लिए लिए हैं, सेम यही काम करेगा हमारा एनिमेशन पेंटर भी, पता है कैसे। तो चलिए अब समझ लीजिए, हम एक एरो लेके इस पे एनिमेशन लगा दिए ना, जो राइट की तरफ जा रहा है, वैसे हम एक और एरो ले लिए, यहाँ पे क्या कर दिए, उसको भी लगा दिए, यहाँ हो गया है ना। एक और हम एरो ले लिए और उसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे लगा दिया, ऐसे हो गया है ना। चाहते हैं जो एनिमेशन हम इस पे लगाए हैं वही एनिमेशन ऊपर भी रहे और वही एनिमेशन नीचे, तो उसके लिए जब इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए इन सब में हम एनिमेशन नहीं लगाए थे, हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसमें एनिमेशन लगा है ना, तो सेलेक्ट कर रहे थे एनिमेशन पेंटर यूज, हाईलाइट हो रहा है ना। इसका काम क्या है कि जो आप इस पे एनिमेशन लगाए हैं वही एनिमेशन यदि आप इस पे लगाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसको कर लिए सेलेक्ट, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक किए, और देखिए वैसे फॉरवर्ड पेंटर जैसा बन चुका है कर्सर ना, अब इस पे क्लिक कर दीजिए, क्या यही एनिमेशन लगा था, चला जा रहा है ना।
देखिए अगर जो हमें अभी F5 बटन का यूज करें यहाँ पे, देखिए दो जा रहा है लेकिन तीसरा वाला अभी नहीं जा रहा, लेकिन दोनों पे हमको सेम रखना है तीनों पे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे फॉर्म एनिमेशन पेंटर और इस पे क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। अब आप यह F5 बटन प्रेस कर लीजिए, अब क्या तीनों पे सेम एनिमेशन लगा हुआ है। तो अगर जो एनिमेशन कॉपी करके किसी दूसरे पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ लेकिन रही बात किसका, ट्रिगर किसका, तो ट्रिगर का इस्तेमाल कब करेंगे, इसका सबसे ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना कि छोटे बच्चों के लिए, अगर जो कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो ना छोटे बच्चों के लिए क्या, जैसे सपोज करिए आप कैसे क्या बनाएंगे, कबूतर खस्सी खरगोश ये बनाएंगे ना, या फिर अगर जो अल्फाबेट में ले लें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ले लें या तो बॉय ले लें, आ रहा समझे ना। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ आएगा और जब एप्पल पे क्लिक करेंगे तभी एप्पल का इमेज आएगा, अन्यथा उसके पहले नहीं आएगा, आ रहा समझ में ना। तो फिर उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्रिगर का। कैसे, तो देखिए पहला हम इंसर्ट में चले गए, वर्ड आर्ट में आ गया, एक वर्ड आर्ट ले लिया और यहाँ पे लिख दिए एप्पल, क्या लिख लिए एप्पल यहाँ लगा दिए। फिर हम इंसर्ट में गए वर्ड आर्ट में, यही फॉर्मेट लेकर हम यहाँ पे लिख दिए क्या, बॉल, क्या लिख दिए, इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, लगा दिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम क्या किए, एप्पल का इमेज लगा लिए, ऑनलाइन ही ले लेते हैं, क्या ले लिए एप्पल, कौन सा सेब खाने वाला है जी, कुछ ऐसे इमेज होंगे जो डाउनलोड नहीं होंगे, तीन चार सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई तो इंसर्ट होगा। चलो ये तो एक आ गया, एक एप्पल का इमेज आ गया यहाँ पर ना, ये लगा दी। दूसरा हमको किसका इमेज चाहिए, बॉल का, अगला हम सर्च कर लिया पे क्या, बॉल वाला कौन सी इमेज, ये वाला ले लिया था, ये देखो पहले इंसर्ट होता है कि नहीं, हो गया है ना। इसको सेलेक्ट करके छोटा करके इसके साइड में यहाँ पे कर लिया। अभी ऐसे ध्यान रखिए हम सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल और फिर बॉल का कर रहे हैं ना, ऐसे एक एक स्लाइड पे बनाते हुए चले जाएंगे, नहीं हो तो आप इसका डिजाइन कर लीजिए ना, आप इसका अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए, हमको बस इसी पे अप्लाई करना है ना। तो राइट क्लिक करके हम कर दिया अप्लाई टू सेलेक्टेड, इस पे नहीं हुआ है, बस देखिए यहाँ से हमको करना होगा ना, कोई यही वाला ले ले, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, हो गया अप्लाई ना। अब करना क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि जब हम ऐसे प्रीव्यू में आए ना तो बस पहले एप्पल लिखा हुआ दिखे और बॉल लिखा हुआ दिखे, जब एप्पल पे क्लिक करें तब जाके एप्पल एनिमेशन करता हुआ है और जब बॉल पे क्लिक करें तब क्या हो, बॉल एनिमेट करता हुआ है, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एप्पल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले इसका नाम तो जानना होगा ना, ये इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, उसके लिए आप लोग सिलेक्शन पेन पढ़े होंगे, याद है किसी को सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन जब आप होम टैब में आते हैं ना तो होम टैब में ही आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है और सेलेक्ट में ही आपको दिखाई देता है क्या, सिलेक्शन पेन दिख रहा है ना। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि सेब को सोया हाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पढ़े हैं ना। अब देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एप्पल को, तो एप्पल वाले को सेलेक्ट किया यहाँ पर ना रेक्टेंगल वन, इस पे डबल क्लिक करना है और इसका नाम लिख लेना, ये क्या है एप्पल है, क्या है एप्पल, इसका नाम यहाँ पे रेनियम हो गया है ना एप्पल, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए पिक्चर थ्री को सेलेक्ट कर रहा है ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे एप्पल इमेज, हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला इमेज है ना, डबल क्लिक करके इसका नाम दे देंगे क्या, बॉल इमेज,
और ये क्या है रेक्टेंगल टू, इसका नाम क्या रख लेंगे सिर्फ बॉल। ये सिर्फ हम यहाँ पे इसलिए दे दिए हैं ताकि जब ट्रिगर में हम जाए ना तो ट्रिगर में इसके नाम को हमको सर्च करने की आवश्यकता नो। क्यों? देखिए जैसे हम इस पे एनिमेशन कोई लगा दिए, इसमें लगा दिए हम कौन सा ये वाला, हो जाएगा ना। हाँ इसके ड्यूरेशन टाइम को बढ़ा दिए लगभग 10 कर दिए, हो गया है ना। हम चाहते हैं कि जब एप्पल पे क्लिक करें तभी आए बॉल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ट्रिगर पे आएंगे, किस पे आएंगे ट्रिगर। तो दे रहा है ऑन क्लिक ऑफ ना कि आपको किस पे क्लिक करना होगा, तो ऑन क्लिक ऑफ पे किसको देना है, एप्पल देना है कि बॉल देना है। तो बॉल पे क्लिक कर, देखिए ये वाला है, इस पे क्लिक करेंगे तब जाके एप्पल आएगा, लेकिन नहीं एप्पल पे क्लिक करें तो ही एप्पल आए, तो नाम हम चेंज कर चुके हैं, एप्पल इमेज ये इमेज हो गया। तो हमको बॉल पे, ये एप्पल पे क्लिक करना है ना, तो क्लिक कर देंगे अभी लग चुका है। सेम वही इस पर भी देना है, तो इस पर हम दे देते हैं कौन सा, ये बाउंस वाला दे देते हैं, सही है ना। इस पे हम क्या किए, ट्रिगर पे गए ऑन क्लिक, और इससे हम दे दे किस पे क्लिक करेंगे बॉल, और इसकी भी टाइमिंग कुछ बढ़ा देते हैं। अब इससे बेनिफिट आपको पता है क्या मिलेगा, अब हम शिफ्ट के साथ से F5 बटन दबा दिए, क्या आपको बॉल और एप्पल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। हाँ जब भी जरूरत पड़े किसके बारे में बताना है तो F5 एप्पल पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो क्या एप्पल का एनिमेशन आया है, हो जाएगा ना। हाँ फिर हमको जानना होगा किसका, बॉल का, किसका जानना है बॉल, तो क्या बॉल भी अपने आप आ जा रहा है, तो उसके लिए फिर हम कहाँ क्लिक करेंगे बॉल। देखिए अब बॉल का एनिमेशन आया है ना, हो जाएगा। हाँ फिर से इसी एप्पल का एनिमेशन दिखना है, देखना है एक बार, और एप्पल पे क्लिक करें, देखिए फिर एनिमेशन काम कर, हो जाएगा ना। फिर आप बॉल पे क्लिक कर, देखिए बॉल का फिर एनिमेशन काम करेगा, हो जाएगा। तो ट्रिगर का मतलब समझा रहा है ना, लेकिन हाँ ये समझ लीजिएगा आपको पहले इसका नाम चेंज कर लेना होगा ताकि वहां पहचान में आ सके, नहीं तो अब कैसे पहचानेंगे कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, नया स्लाइड ले ली, और इस पर हम दे दिए सी के पास क्या होगा, बी के पास क्या होगा, सी होगा ना, तो यहाँ पर हम दे दिए क्या सी, सी फॉर क्या दे दे, कैट, यहाँ पे कैट दे दिए, और एक और दे देंगे किसके लिए, डी के लिए दे देंगे क्या, यहाँ दे दिए। अब हम चले गए इंसर्ट में, ऑनलाइन पिक्चर में, और सर्च कर लिया यहाँ पे क्या, कैट, देखो कौन बिल्ली मुस्कुरा रही है, वही ले लिया जाए, ये वाला मुस्कुरा नहीं रही है, ये वाला ये देखो पहले इंसर्ट होगा कि नहीं, नहीं होगा ये, ये आ गया है ना, यहाँ पे हम लगा दिए। हाँ चूंकि बैकग्राउंड हटाना है तो आप लोग रिमूव बैकग्राउंड पढ़े हैं याद है, रिमूव बैकग्राउंड के माध्यम से आप इसके बैकग्राउंड हटा सकते हैं, लेकिन जितना एरिया नहीं रखना है, देखिए अभी सारा हट जा रहा है ना, सारा हट गया, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू, पहले रिमूव ले लेंगे, ये वाला एरिया हमको रिमूव कर लेना है। हो हो जाएगा ना। चलिए इधर हमको रखना है तो मार्क एरिया टू कीप लेंगे और इसको सेलेक्ट करके ऐसे छोड़ देंगे, हो जाएगा ना। मार्क एरिया टू रिमूव, यहाँ थोड़ा सा मार्क कर लेते, इतना हो जाएगा ना। यहाँ से कीप चेंज कर दें, देखिए इसका यहाँ थोड़ा सा रह गया था क्या जी, ऐसे रिमूव हो जाएगा ना। चलिए कुछ अंडू कर लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड के साथ ही रहने देते हैं, हो जाएगा ना। एक और हम ले लेते हैं किसके लिए, डॉग इमेज, क्या ले लिया से, ये वाला ले लिया जाए, नहीं आएगा ये, नहीं आ रहा है, किस्मत खराब है ना। अच्छा
कोई ऐसा होगा जो डाउनलोड हो ये, चलो दोनों में से कोई डाउनलोड हो जाए। ये आ गया, यही डाउनलोड हुआ है, हो जाएगा ना। अब देखिए अब करना क्या, इस पे भी एनिमेशन लगाना है, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करके एनिमेशन में गए और इस पे हम लगा दिए क्या, कुछ ऐसे ही एनिमेट करके आएगा, हो जाएगा ना। टाइमिंग बढ़ा लेते हैं, जो एक सेकंड है ना इसको कम से कम 5 सेकंड कर देते हैं, हो जाएगा ना। इस पर भी एनिमेशन लगा दिए, इसका एनिमेशन लगा दिए, कौन सा है, कुछ ये वाला, हो जाएगा ना। इसकी भी टाइमिंग बढ़ा लेते हैं, लगभग कितना कर देते, इसका भी 5 कर देते हैं। अब आप बताइए, हम चाहते हैं कि जब कैट पे क्लिक करें तो कैट का इमेज आए, तो कहाँ जाएंगे हम, ट्रिगर ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में आप किसको सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल 1 की रेक्टेंगल 2, हो सकता है रेक्टेंगल 1 यही वाला हो, क्लियर नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए हम बताएं कि पहले आप कहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कहाँ पे सिलेक्शन। अब हम क्लिक करेंगे कैट वाले पर, देखिए ये हाईलाइट हुआ है ना रेक्टेंगल 1, अब डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लेंगे क्या, इस पे क्लिक करेंगे इसका नाम चेंज करके रख लेंगे क्या, हो जाएगा। अब आप अपने अनुसार लगा लीजिए जो भी आपको लगाना है, क्लिक करिए। अब आप आ जाइए ट्रिगर पे ऑन क्लिक, तो क्या कैट आ गया यहाँ पर ना, क्लिक कर दीजिए इसको, क्लिक करिए ट्रिगर और यहाँ ऑन क्लिक किस पे। अब आप स्लिप के साथ या 5 बटन दबा दीजिए, देखिए पहला स्लाइड है आपका, कौन सा, एप्पल। हम यहाँ पे प्रेस कर देते, बताएगा एप्पल के बारे में, एप्पल के बाद से बॉल, हो जाएगा ना। जब बॉल के बारे में बता ले जाएंगे तब अगला स्लाइड किसके बारे में, कैट, और कैट के बाद से फिर डॉग, बन जाएगा ना। तो ट्रिगर का मतलब क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। ऐसे ट्रिगर ऑप्शन का यूज करना है तो कर ले जाएंगे ना। हाँ आगे आपको ऑप्शन दिख रहा है, वही ड्यूरेशन और डिले, ये आप लोग पता ही होगा सबको। हाँ आगे दिया मूव अर्लियर और मूव लेटर, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे देखिए हम तीनों के यहाँ से ये तीन एरो लिए थे ना, तो तीनों का हम कर लेते हैं क्या, यहाँ से ऑन क्लिक, क्या कर लेते हैं ऑन क्लिक, इसको भी सेलेक्ट करके हम कर लिए ऑन क्लिक, और इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए ऑन क्लिक, हो गया है ना। अब देखिए अगर हम क्लिक करें यहाँ पे, तो पहले कौन सा एरो जा रहा है, बीच वाला जा रहा है ना, फिर क्लिक करें तो कौन सा जा रहा है, फर्स्ट वाला, फिर क्लिक करें तो कौन सा जा रहा है, थर्ड वाला। हम क्या चाहते हैं कि जब पहले क्लिक करें तो पहले वाला एरो जाए, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे क्या, मूव अर्लियर, यानी कि पहले यही जाएगा, अर्लियर करेंगे तो पहले और लेटर करेंगे तो बाद में। अब देखिए क्या होगा, अब अगर हम क्लिक करें तो कौन सा एरो जा रहा है, पहला, फिर क्लिक करेंगे तो उसका क्लिक कर दिए तो दूसरा, उसका फिर कौन सा, तो ये एक एक करके अगला जा रहा है ना, हो जाएगा ना। देखिए इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे सपोज करिए कि आप एक साथ बहुत सारे एनिमेशन लगाना चाहते हैं, हम लोग यही लगाए थे, चाहते हैं पहले ये आए, उसके बाद से ये आए, फिर उसके बाद से ये आए, फिर उसके बाद से ये आए, फिर ये आए, ऐसे एक एक करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं पहले यही आ रहा हो, उसके लिए हम अर्लियर और लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भेजना तो अर्लियर करेंगे और बाद में करना हो तो लेटर करेंगे। तो ये एनिमेशन टाइप का कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। हाँ एनिमेशन टाइप का आप इस्तेमाल करके आसानी से एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से अगला हम लोग का टैब आता है कौन सा, स्लाइड, अगला कौन सा टैब आएगा, स्लाइड्स। देखिए स्लाइड्स का मतलब पहले समझ लीजिए, इसमें पहला दो ऑप्शन दिया आपको, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट। तो देखिए हम लोग दो बटन इस्तेमाल करते हैं ना, या फाइव और या सिर्फ के साथ या फाइव बटन इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए अगर जो सिर्फ हम या फाइव बटन दबाएंगे तो कहीं भी रहेंगे बिल्कुल पहले पेज से स्टार्ट करेंगे, कितना पेज से स्टार्ट कर रहे हैं,
पे से स्टार्ट कर रहा है ना, लेकिन वही अगर जो हम इस स्लाइड पे हैं और यहीं से हमको स्टार्ट करना है, तो सेव के साथ कौन सा बटन, यहीं से स्टार्ट कर रहा है ना, तो वही काम आपका यहाँ पे करेगा फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो कहीं भी रहिए पहले से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है पहले से। और अगर जो आप यहाँ पे हैं और वो जो फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो जिस स्लाइड पे है वहीं से स्टार्ट करें, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। चलिए तो ये आज आप लोग पहले एनिमेशन टाइप का सारा आसन ट्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद अगली क्लास में आपको ये बताएंगे स्लाइड शो का सारा आपसे, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, आप लोग पिछली क्लास में ज्यादा एनिमेशन का यूज नहीं कर पाए होंगे, आया समझ में ना, तो आज आप लोग क्या करेगा, सबसे पहले एड एनिमेशन के अंदर जा करके मोर मोशन पाथ में आने वाला सारा एनिमेशन एक 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 बार ट्राई कर लीजिए। ये ट्राई करने से आपको बेनिफिट पता है क्या मिलेगा, कि अगर जो सपोज करें हम इसको सेलेक्ट कर लिए और इस पे क्लिक कर दिया आर्क वाला, हमको पता चला नहीं है ऐसे काम कर रहा है, कम से कम नहीं कुछ करेंगे, क्लिक करते हो तो चले जाएंगे ना। तो कभी भी अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं और कहा गया नहीं आपको ऐसे करके ये वाला ऐसे एनिमेशन लगाना है, तो आपके माइंड में तो रहेगा ना कि हम ये वाला एनिमेशन लेंगे तो ऐसे फट से काम कर जाएगा, तब वहां पर हमको बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। और दूसरी चीज इसी में आ जाइए, जो आप किसी टेक्स्ट को लेंगे ना, जैसे सपोज करिए हम कंट्रोल के साथ ही हम बटन दबा दिए, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम हमें लिख दिया यहाँ पर ना। अब देखिए इसका भी एनिमेशन लगा सकते हैं अलग अलग तरीके से, अगर जब आप एनिमेशन में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा। अब इसमें देखिए आपको बहुत सारा एनिमेशन दिखाई देगा, हो जाएगा ना, ऐसे सारा आप क्या करेंगे एक एक लेकर कैसे ट्राई कर लीजिए। इसमें आउटलाइन देखिए बस हल्का सा कलर चेंज हो गया, कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिलेगा, लेकिन हाँ कब जब ट्राई करेंगे तब। कुछ एनिमेशन दिख रहा है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम ये इफेक्ट वाला ऑप्शन ये वाला ले ले रहे हैं ना, तो इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आल सब्जेक्ट लेना है कि बस सब एक ही बार में ले लेना है ऐसे, या अगर जो हम पहला रखेंगे पहले में देखिए ऐसे ही, या अगर जो तीसरा रखेंगे तो बाई पैराग्राफ, और जो कई सारा लाइन रहेगा तो अलग अलग एक एक बार करता हुआ चला जाएगा। और इसी में अगर जो एड एनिमेशन में आएंगे ना या फिर नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा मोर का ऑप्शन, मोर पे क्लिक करेंगे देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन दिखाई देगा, देखिए बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड होके नॉर्मल हो जा रहा है ना, हो जाएगा। तो ये ऐसे आप लोग एक एक करके ट्राई कर लीजिए लोग, हो जाएगा जी। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।